अपने पैरों को घुमाएं, दोनों पैरों को क्लॉकवाइज में घुमाएं। विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत। इससे पैरों की समस्या दूर होगी। रिलैक्स। अब साइकिलिंग करेंगे दाएं पैर से। ये देखें, हैंड को देखें, ये फिंगर इस तरह से लगाना है, ये साइकिलिंग करना है, ये जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे, बिल्कुल स्ट्रेच करके, खींच करके। विपरीत, उल्टा, इसी दाएं पैर से उल्टा। पैरों में जो भी अकड़न होगी दूर हो जाएगी। अपने पैरों को फोल्ड कर ले और नितंब के साथ लगाएं, एड़ी एड़ी नितंब के पास, और ये बिल्कुल सीधा कर दिए। ये घुटना सीधा होना चाहिए, जिसका नहीं हो वो इस तरह से पकड़ लें, ये जिसका नहीं हो इस तरह से पकड़ लें, दोनों पैर सीधा, घुटना सीधा कर लें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। धीरे धीरे पैर नीचे, यही क्रिया बाएं पैर से साइकिलिंग करें। जनरली लोगों को पैरों में तकलीफ होती है, यस, दोनों घुटनों को सीधा रखना है, दोनों घुटनों को सीधा रखना है, यस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। नीचे जाके रुकना है, 10 सेकंड के लिए रुकना है आपको। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ, बटरफ्लाई, तितलियों की भांति। ये दोनों तलवा आपस में जोड़ लिए और दोनों हाथ को ये फिंगर इस तरह से कर लें और इसमें ये दोनों पैर रख दीजिए। अब बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन सीधा कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधा, ये बटरफ्लाई उड़ना है। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, तीन से चार बार यह क्रिया, गर्दन की समस्या दूर होगी। इससे लेफ्ट राइट, बाया दाया, बाया दाया जाते समय सांस छोड़ना है, बीच में सांस भर लें। नेक मूवमेंट, ये पोजीशन ले इस तरह से नीचे, टुड्डी और गर्दन नीचे, और दाएं से, अपने दाएं से शुरू करें, दाएं से जाते हुए बाएं और बाएं से जाते हुए दाएं, ये एक आवृत्ति, इस तरह से तीन आवृत्ति करना है। तीन आवृत्ति, दो, तीन। ये ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। भुजबली, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स,
सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। पूर्ण भुजवली, दोनों हाथों को ये देखें, पहले अंगूठा फोल्ड करना है और फिर ये चार उंगली इस तरह से रखें, सांस भरते हुए ऊपर से ऐसे घुमाना है। यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन में दोनों हाथ पीछे। यस, फिर विपरीत, फिर से वही पोजीशन ले लें, विपरीत, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दोनों हाथ पीछे। यस, स्कंध चालन, इसमें अभी जो कर रहे हैं हम स्कंध चालन, जिसको भी सर्वाइकल हो वो खास ध्यान करें, जो कंप्यूटर वाले हैं, जो ज्यादा कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, उनके लिए खास। ये इस तरह से फिंगर को जोड़ लें, कंधों पर रखें, सांस भरते हुए ऊपर ये घुमाना है, अपने कंधों को घुमाना है, ये सर्वाइकल के लिए रामबाण है। ये प्रतिदिन चार से पांच मिनट भी कर लें तो सर्वाइकल की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ये विपरीत, विपरीत दिशा में, रिलैक्स। वक्षस्थल, दोनों हाथ जंघा पर, ये दोनों जंघा पर रखें, सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। अब कटी शक्ति, कटी मतलब कमर, ये देख लें, अपने बाएं हथेली से दाएं कलाई को पकड़ना है, ये पीछे में रखना है इस तरह से, ये बाएं हथेली से दाएं कलाई को पकड़ना है ये, और दोनों टखना को जोड़ लें, टखना में गैप नहीं, दोनों पैर की उंगलियों अंगूठे को जोड़ लें, और ये सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। कटी शक्ति कमर के लिए, अब कंधों बराबर गैप दें, पैरों में कंधों के बराबर गैप, दोनों हाथ सीधा, इसमें सांस भरना है और छोड़ते हुए ये पीछे जाना है, फिर वापस सांस भरते हुए बीच में, फिर छोड़ते हुए लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। ये था हमारा कटी शक्ति। अब है जंघा शक्ति, जंघा शक्ति में जंपिंग करेंगे, जिनको घुटने में समस्या हो वो नहीं करेंगे, जिनको जंपिंग है ये घुटने में समस्या हो तो वो नहीं करेंगे। गैप थोड़ा सा देख लें, ये गैप है ठीक, हाथ में ना लगे किसी का, ये गैप देख लें, ये हाँ, यस, काउंटिंग में 25 का करेंगे, सांस चल जाए तो रुक जाना है। यस, सांस भरे, यस स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टेन नाइन स्पीड एट सिक्स फोर फाइव थ्री टू वन, रिलैक्स। ये जंघा शक्ति के लिए था।
आइए, यानी घुटना, घुटनों की समस्या तो आजकल कॉमन ही हो गई है। तो ये दोनों में गैप ले लें, दोनों हाथ कमर पर, और ये अपने बटक में लगाना है, ये पैर को ये बटक में लगाना है। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन क्रॉस, ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दोनों टखना को जोड़ ले, दोनों टखना को जोड़ ले, हाँ टखना दोनों जुड़ा हुआ, दोनों हाथ चली को घुटना पर, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है घुटने को, ये बहुत काम का। जिनको जिनकी समस्या घुटने की है वो प्रतिदिन करें तो घुटनों की गैप कम हो जाती है इससे, और दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, इसी उत्कटासन में चेयर पोज करेंगे। अभी दोनों टखना को मिला लें, दोनों हाथ आगे, हाँ चेयर पोज बनाएंगे, ये यस वन टू थ्री फोर फाइव अप डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव अप, वन मोर टाइम डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव अप, हैंड्स अप। अब फिर से अगेन विदाउट हैंडल वाला चेयर, यस वन टू फोर फाइव अप डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव अप, वन मोर टाइम डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव अप। रिलैक्स, उत्कटासन। आइए टखना के लिए दोनों हाथ दो कमर पर, और ये ऊपर स्ट्रेच करना है, बस आसान सा आसन और बहुत काम का। नसों में जो अकड़न हो जाती है, नस एक जगह जमा हो जाते हैं, उस समस्या से छुटकारा, ऊपर करें। और ये उल्टा करना है, ये पोजीशन बिल्कुल ऊपर करें, अपने बाजू कानों के साथ सीधा, यस, और धीरे धीरे ऊपर उठना, और सामने देखें, किसी एक जगह बनाएंगे तो बैलेंस बना रहेगा, यस अप, पैरों पर आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डाउन, रिलैक्स। इसी में थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डाउन, फिर से दाएं हाथ से दाएं पैर पकड़े, बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। लेग चेंज, दूसरा पैर, वृक्षासना। यदि इससे दो से तीन मिनट के लिए भी किया जाए प्रतिदिन, तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। इससे बिल्कुल सीधा हैंड पर स्ट्रेट कीजिए, ऐसे नहीं, ये नहीं बनाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन डाउन, रिलैक्स। अब बैठ जाए अपने आसन पर, बैठ जाए चार पांच सेकंड के लिए, राम ओम सूर्याय नमः, सभी को मेरे साथ एक साथ बोलना है, सभी को लंबी सांस भरे, सूर्याय नमः, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए हाथ पीछे से पीछे, हस्तोत्तान, एक दो तीन चार पांच, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आइए, पैर की उंगली और हाथ की दोनों मिल जाए या हथेली मिल जाए, दोनों घुटनों को सीधा रखना है, एक दो तीन चार पांच, दाया पैर पीछे, अपना दाया पैर पीछे करें,
अपना दायां पैर पीछे करें और दायां घुटना को हल्का सा टच करें जमीन में, उस पर वजन नहीं डालना है। और सांस भरें, ऊपर देखें, इनहेल एंड लुक अप, एक दो तीन चार पांच, बायां पैर पीछे, पर्वतासन। पर्वतासन, दोनों पैरों को मिला लें, टखना को मिलो, घुटना को सीधा, एड़ी जमीन पर लगाने की कोशिश करें, एड़ी को जमीन पर लगाने की कोशिश करें और दोनों कंधों को नीचे से नीचे, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल बॉडी को सीधा कर दें, बिल्कुल सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव। अब अष्टांग, दोनों घुटना पहले जमीन पर, चेस्ट को और फिर टिड्डी को, अष्टांग आठ अंग, एक दो तीन चार पांच। भुजंगासन, दोनों पैर को पीछे खींचे, ये दोनों पैर पीछे और नाभि से ऊपर उठे, नाभि से, एक दो तीन चार पांच। फिर से पर्वतासन, पर्वतासन में आ जाए, दोनों पैर मिले हुए, घुटना सीधा और दोनों कंधों को नीचे से नीचे, एक दो तीन चार पांच। दायां पैर उठाएं और आगे से आगे लाएं, दायां पैर को आगे से आगे लाना है और बायां घुटना हल्का सा जमीन में टच हो, सांस भरें, ऊपर देखें, एक दो तीन चार पांच, बायां पैर आगे। फिर से पादहस्तासन, एक दो तीन चार पांच, बाजू कानों के साथ सांस भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तान पीछे से पीछे, एक दो तीन चार पांच, ऊपर ही प्रणाम मुद्रा बनाए, दोनों हाथ को जोड़ ले और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे और अपने आसन पर बैठ जाए। पुनः सांस भरे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जोड़े, दोनों हाथ को जोड़े और अंगूठा छाती मूल गड्ढे में लगाएं और मेरे साथ प्रार्थना गाएं कि योग में सबके लिए है, कभी भी मैं शब्द योग में नहीं आता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, अपने माता पिता का ध्यान करें, गुरुजन का ध्यान करें, आपका दिन सुखमय हो। इसी के साथ आज का योग का कार्यक्रम की समाप्ति। कि तुलसी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं और अपने से भी और बच्चों को भी प्रेरित करें कि स्नान के पश्चात उसमें जल डालें। नमस्कार। दोनों हाथों को डब करें, रगड़ें, गर्माहट महसूस करें, धीरे से दोनों आंखों पर रखें।